हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन टैन पे। भाई धूप का प्रकोप जारी है, लेकिन आपको अपनी स्किन को डैमेज होने से भी बचाना है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी बेस्ट रेमेडी लेकर आई हूँ ना भाई, जिसको आप 15 मिनट अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो जो आपके डे टैन की प्रॉब्लम है, सन टैन की प्रॉब्लम है, बिल्कुल आसानी से रिमूव हो जाएगी। और जानते हैं ये होम रेडमी धीरे धीरे काम करती है, तो आपको इस प्रोसेस को, अगर आप धूप में डेली जाते हैं तो इस प्रोसेस को आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना ही चाहिए, जिससे आपको जो सन टैन की प्रॉब्लम है, जो आपकी स्किन डार्क हो गई है धूप में निकल निकल के और एक काली सी परत आ गई है, वो सारी बिल्कुल ये होम रेडमी बहुत ही मैजिक वे में क्लियर करने वाला है। और आपका जो पहले वाला छिपा हुआ रंग है उसको बाहर निकालने वाली है ये हमारी अमेजिंग होम रेमेडी। साथ ही आपको क्या क्या होम रेडमी में इस्तेमाल करना है, सबसे पहले लेना है आपको एक खाली बाउल। खाली बाउल में आपको लेना है नेस्कैफे की 2 सैसे पूरा आप खाली कर लीजिएगा। कॉफी पाउडर जो होता है हमारी स्किन पे, जो सन टैन से एक ब्लैक परत हो जाती है, उसको रिमूव करने में स्क्रबिंग का बहुत अच्छा काम करता है और हमारे जो चेहरे की पुरानी रंगत होती है उसको वापस लाने में बहुत अमेजिंग काम करता है कॉफी पाउडर। फिर हम सेकंड चीज लेने वाले हैं यहाँ पे शहद। शहद बहुत ही गुडनेस से भरा होता है किसी भी वे में, तो यहाँ पर हम शहद ले रहे हैं, 1 चम्मच ले रही हूँ मैं। और ये भी हमारे स्किन को फ्रेशनेस देने में और उसको यंग रखने में, रिंकल्स मिटाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ हम शहद ले रहे हैं, 1 चम्मच लिया है मैंने। और फिर तीसरी चीज मैं यहाँ ले रही हूँ कर्ड। समर में कर्ड हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो स्किन हमारी सन से झुलस जाती है धूप से, तो उसको मतलब दोबारा रिकवरी करने में दही बहुत अच्छा काम करती है। इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी फेस वॉश से अपने फेस को अच्छी तरह से आपको क्लीन कर लेना है। किसी भी चीज को अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए फेस को। और फिर उसके बाद ये हमारा जो पैक है हम अप्लाई करेंगे। नेक के आसपास भी आपको लगाना है, क्योंकि भाई धूप से हमारा फेस और हमारी नेक दोनों एक समान ही उस पर इफेक्ट आता है, तो आपको नेक पे भी अप्लाई करना। कोई भी रेमेडी आप फेस पे अप्लाई करेंगे तो नेक पे भी आपको अप्लाई करना ही चाहिए, नहीं तो स्किन टोन दोनों की अलग अलग दिखती है तो अच्छा नहीं लगता है। इसे अप्लाई करने के बाद आपको इसे 15 मिनट तक रखना है, 15 मिनट बस मैक्सिमम है। उसके बाद आपको गीली टॉवल से, ठंडे पानी से पहले रख लेना अपने फेस पे, और फिर उसे धीरे धीरे थोड़ा सा हनी मेल्ट हो जाएगी तो बहुत ही स्मूथ वे में क्लीन हो जाता है। ज्यादा हार्श हाथ में चलाएगा, नहीं तो कॉफी बीन्स से, कॉफी पाउडर से रैशेज आ सकते हैं। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप एक बार अप्लाई करके जरूर देखिएगा। उसके बाद कोई भी फेस पे चीज अप्लाई करिए तो ये बार मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल आप जरूर इस्तेमाल करिए। मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मेरे स्किन के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर उसके बाद ये देखिए कितना स्मूथ हो गया फेस मेरा बिल्कुल, और आपकी जो सन टैन की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर ना लास्ट नॉट द लिस्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करिए, और मैं यहाँ पे लोशन वाला सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही जेल की तरह है ये, टैप टैप करके अप्लाई करिएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो एक लाइक जरूर करिएगा।